आज की सभा में जो विचार आए वो बहुत ही अच्छे आए। हमने जो ज्ञापन तैयार किया उसमें जो खुफिया निकाली गई वो भी बहुत ही अच्छा ही है। बहुत बढ़िया। हम ये चाहते हैं कि आज तो ये सभा की क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के अंतर्गत हमने चर्चा पहले ही की तो किसी कर्म का कुछ अगर फल न निकले तो हम समझते हैं ठीक करेंगे। हमें बड़ा अच्छा लगा रही बात करना। कितना बड़ा उन्होंने दोस्तों ने हमको दिया कि हम आपके लिए ऐसी व्यवस्था करते हुए कि आप निःशुल्क के जाइए निःशुल्क आइए और क्या आपको आगे करना चाहिए भी करके उन्होंने किया। ये बड़ी बात। देखिए हम भ्रष्टाचार से बहुत चिड़े हुए। हमारे पिता ने जिसकी कोई शक्ति की स्मृति में हमें कार्य करता आप ये सोचिए कि वो कैसा व्यक्ति रहा होगा कि जिसने हमसे कहा कि बेटे अपने घर में पक्की ईंट का लगना श्राप है। मेरा घर खलहर पड़ा हुआ तो मुझे उस घर की चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं घर निकलवा सकता था। मैं पुलिस का अधिकारी रहा। चाहता तो जैसे और लोग करते हैं अब तक करोड़ों की संपत्ति मेरे पास तो नहीं होती लेकिन ये मेरी अपनी बात है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कभी भी एक पैसा कोई धोखे उठा लिया हो। और अगर किसी दस आदमी अगर मैंने खाया भी होगा तो उसको देख जब भी अगली तरह अगर बच्चों जाते हैं तो ये त्याग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कोई त्याग का बड़ा शौक है। ये मेरे पिता की शिक्षा है और मैं इस समाज के लिए समर्पित हूं। मैंने ये जो तैयार किया था ये वस्तुतः इसमें वो लाइनों से मैं भी सहमत नहीं हूं। केवल एक लाइन है वो जो कि न्यायपालिका से है उस चीज से मैं भी अंदर से सहमत नहीं हूं। मैं इस व्यवस्था से बहुत खराब हो गया। मैं कितना भी बड़ा ईमानदार हूं कितना कुछ भी कोई भी दूसरा व्यक्ति हो वो अपने को व्यवस्था से बड़ा नहीं कह सकता। लेकिन अगर हम अपने को व्यवस्था से बड़ा नहीं कह सकते हैं तो व्यवस्था से शिकायत तो कर सकते हैं। हमको अपनी बात जो हमारे उच्चाधिकारी हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहने का अधिकार तो हमें है। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए ये जो है समापन उद्बोधन है हमारा तो इसका कुछ अध्यक्ष महोदय निष्कर्ष निकलना चाहिए। ये जो हम पन्ने लिए हैं हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि भाई इसमें जो कुछ भी करना हो कितने लोग बैठे हो अभी इसमें कुछ ना कुछ संशोधन कर दो। और दीक्षित जी की ये बात हमको अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि भाई इसका संपादन जो है वो दमारों के जो प्रधान संपादक है उनके द्वारा करा करके इसको भेजा जाए। हम भी इससे सहमत है कि किसी चीज को सामूहिक रूप से जिसमें बड़े बड़े विद्वान है देखिए डॉक्टर बी एल सिंह साहब है डॉक्टर सक्सेना साहब है विधायक जी है आप हमारे जो है कितने विद्वान अधिवक्ता और सबसे वरिष्ठतम बिहार पत्रकार है तो आप सबके बीच में अगर कोई निष्कर्ष नहीं चलता है जगदम्बा भाई आदर्श के उदाहरण है तो आप सबके कथों से मेरी सिर्फ ये मालूम है कि आज का ये ज्ञापन तैयार होना चाहिए। क्या सक्सेना साहब ये बात आज संभव है? आज तो मैंने बताया था कि मुझे कार्य करना हो जाना। आपके भेज देंगे के तीन जने बैठ ले आपके साथ पार्टी आप और दो चार लोग घर से लिख के भेज देंगे आपको। अभी मतलब लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी थॉट्स की प्रॉब्लम आएगी कि हम किस मना स्थित में यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं। मेरी राय व्यक्त रखी है कि हमें सोचने का मौका दें कि हम किस इस मतलब रचनात्मक रूप पे इसका आना ठीक बात है जल्दबाजी में आज ये बात हम मानते हैं एक निष्कर्ष ये निकला कि हमें कुछ समय दिया जाए एक सप्ताह का ये समय कितना रखा जाए एक सप्ताह ठीक है एक सप्ताह का समय बैठ लीजिए सक्सेना साहब के हम बैठ लेते हैं क्यों नहीं डॉक्टर साहब डॉक्टर सक्सेना के यहाँ हम लोग बैठक कर लेते हैं।
पार्टी पार्टी जी से टाइम ले लीजिएगा, ये बात करते हैं। तारीख से सूचित कराना हमारा काम होगा। आप पहले चला दो तीन दिन पहले सारे ठीक है सर। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, हम इस सभा में ज्योति बाबा का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे और हमारे भाई श्री चंद्रभूषण सेठ, ये सब जो है हमारे दाहिने बाएं भुजाएं हैं। हम इस बात को कहते नहीं है, संभवतः मुलाकात भी कम होती है, लेकिन आपकी ऊर्जा से ही हम चलते हैं। और ये जो है आर्य सक्सेना साहब, आप हमारे गुरु होने के आपकी सहज समझ आया, बच्चे ने दिया। बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई हुई, नमस्कार।